हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लुक इनटू द योजना मार्च 2021 पार्ट टू। सो अब हम पार्ट टू करने वाले हैं। सो दिस एडिटोरियल इज अबाउट कंडीशनल बोरोविंग्स। तो कंडीशनल बोरोविंग होती क्या है? सो कुछ कंडीशंस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगाती हैं, ओके, सो दैट दे कैन बोरो मोर। अब वो कंडीशंस पूरी करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है और पैसा मार्केट से बोरो कर सकती है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड चीज है। सो विल लुक इन टू दिस। नाउ ग्रांट ऑफ रिफॉर्म लिंक एडिशनल बोरोइंग लिमिट टू स्टेट वॉज अनाउंस्ड इन मे 2020। ये मे 2020 को अनाउंस किया गया था कि कैसे जो है रिफॉर्म, जो स्टेट्स रिफॉर्म कर रहे हैं उनको एडिशनल एक लिमिट मिलेगी जिसके तहत वो और ज्यादा पैसा बोरो कर सकेंगे। देखो, कोविड-19 ने जो है रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर सबसे बुरा असर डाला है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इससे इंपैक्ट हुई है। और जैसा आप जानते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, हेल्थ जो है आपका वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा ड्रेन हुए, उनका पैसा जो है वो ज्यादा खर्च हुआ। इन दैट लाइन उनको और ज्यादा पैसे बोरो करने की जरूरत है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही वो पैसा बोरो कर सकती हैं। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन से स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा और बोरो कर सकती हैं। बट यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको एज अ टूल यूज करता है, कैसे? रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए वो स्टेट को कहता है कि आई विल अलाउ यू टू बोरो मोर बट यू हैव टू रिफॉर्म योर सिस्टम। आपको अपना सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। और यहां पे मेजर जो रिफॉर्म का फोकस है वो आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म है, ओके। पावर सेक्टर रिफॉर्म और बाकी रिफॉर्म्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, ये भी एक और रिफॉर्म है। सो वी लुक इनटू दैट। उसी के आसपास का घूमता हुआ ये एडिटोरियल है आपका। सो एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज वॉज एन इंक्रीज इन नेट बोरोइंग लिमिट फॉर द स्टेट्स, कि अब स्टेट्स को 2% ज्यादा बोरो करना अलाउड है, ओके, 2% ऑफ द ग्रोस स्टेट जीडीपी, या फिर स्टेट जीडीपी जो होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके 2% जितना जो है उनको अलाउ कर दिया गया है। सो द स्टेप मेड अवेलेबल एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स इन ट्यून ऑफ 4.2 लाख करोड़ टू द स्टेट्स। सो इसका बेनिफिट होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो और ज्यादा पैसा बोरो कर पाएंगी, ईजिंग देयर हाईली स्ट्रेस फिस्कल सिचुएशन एंड गिविंग देम मोर हेडरूम टू मीट देयर स्पेंडिंग नीड्स। तो अब पैसा अगर वो ज्यादा बोरो कर पाएंगी तो ज्यादा स्पेंडिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी वो इजिली फुलफिल कर पाएंगी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बोरोइंग ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज गाइडेड बाय प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स आर परमिटेड टू बोरो विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं और उसके एवज में वो पैसे जो है वो ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 293, ओके। बट ये लिमिट जो है फिक्स की जाती है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स तो कहीं से भी जाके बोरो करते रहेंगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 293(3), इफ अ स्टेट इज येट टू रीपे एनी सेंट्रल लोन एक्सटेंडेड टू द स्टेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय इट्स प्रीडिसेसर, दे हैव टू टेक कंसेंट। उनको कंसेंट लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट ये ले लेते हैं। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड फिक्स द नेट बोरोइंग सीलिंग ऑफ स्टेट फॉर ईयर 2020 to 2021 एट 3%, ओके। अब ये फाइनेंस कमीशन ने इनको रिकमेंड किया था कि आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सीलिंग लगा दो, उनके ऊपर जो बोरोइंग लिमिट है एक सीलिंग लगाओ, उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ना कर सके, और वो 3% ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इन्होंने रखा है। अब आप इसके अंदर देखें, सो इसके ऊपर चलती रहती है बातें, चलती रहती हैं। तो ये कंडीशनल होता है, ऐसे नहीं यूनियन गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ करेगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिफॉर्म्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। सो वन इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। तो हर स्टेट को वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करना पड़ेगा। फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके लिए काम करना पड़ेगा। लोकल बॉडीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा। पब्लिक यूटिलिटीज रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। सो ये मेजर रिफॉर्म जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, तभी वो ये एडिशनल पैसा जो है वो बोरो कर सकेंगे। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको नहीं करते हैं तो ये जो एडिशनल परमिशन मिली है वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो जो से स्टेट इन रिफॉर्म्स को करेंगे वो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। सो ये कुछ चीजें जो है यहाँ हमने देखने को मिली हैं। सो वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट होगा, ओके। इसको जो है
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ भी आप जोड़ सकते हो, बिकॉज बेनिफिशियरी डाटा इज टेकन फ्रॉम दैट, वहां से बेनिफिशियरी डाटा लेके लिया जाएगा. सो माइग्रेंट्स को डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला है, ये आप यहाँ पे समझेंगे. सो इसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो हम दे रहे हैं. ओके, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन. सो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है लेबरर, डेली वेज अर्नर्स, अर्बन पुअर, रैग पिकर्स. ओके, सो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं. सो इन दैट सिनेरियो वो अपने बेनिफिट्स जो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड हैं, वो दूसरे स्टेट में भी जाके उनको वो बेनिफिट मिल सके, इसके लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रोविजन किया गया है. ओके, फर्दर सेकंड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नाउ स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए. सो जो स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करेगा उनको ज्यादा जो है हम अलाउ करेंगे कि वो और पैसे बोरो कर सकेंगे. ओके, ये प्रोविजन डाला है. फर्दर आप इसके अंदर देखें कि अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो बॉन्ड मार्केट, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड मार्केट का यूज कर सकते हैं. मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो बॉन्ड इशू कर सकती हैं, और सूरत और पुणे जैसी अर्बन लोकल बॉडीज ने तो काफी गुड अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है. सो ये बॉन्ड मार्केट का भी प्रोविजन है. एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर एम्ड एट देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग, उनको अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको बेहतर करना है, क्योंकि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ये देखिए COVID-19 के अगेंस्ट फाइट के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज वो मेजर रोल प्ले करा रही थी, तो इसको देखते हुए ये एक कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाली है कि अर्बन लोकल बॉडीज को अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखना पड़ेगा. अब फाइनेंसिस की जब बात आती है तो प्रॉपर्टी रेट एक इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी टैक्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंस का. बट ड्यू टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती अर्बन लोकल बॉडी को कि वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाएं. बट अब क्योंकि सेंटर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो है यहां पे ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना पड़ेगा. ओके, अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये भी अब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके आने हैं, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर के अंदर बहुत से फार्मर्स को यहां पे सब्सिडाइज्ड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है. ओके, तो इससे क्या होता है कि पावर सेक्टर की जो कंपनीज है उनको नुकसान होता है, स्पेशली द स्टेट्स, जो पब्लिक सेक्टर की पावर, जो पब्लिक पावर सेक्टर की कंपनीज हैं उनको. सो यहां पे बोला गया कि यू हैव टू रिफॉर्म इट. आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर कीजिए. ओके, सो यूनियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट स्टेट्स शुड इंट्रोड्यूस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. दो जो पावर सब्सिडी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मत दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो, उतने अमाउंट का पैसा जो है वो किसानों के जो है अकाउंट में डाल दो. दिस इज व्हाट दे आर वांटिंग. और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कुछ रिफॉर्म्स भी अचीव किए हैं पावर सेक्टर को लेके. सो ये कुछ एक स्टेप्स हैं, ये कंडीशनल ग्रांट का एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट यूज कर रही है रिफॉर्म्स लेके आने के लिए. नाउ वी विल लुक इनटू द अनदर एडिटोरियल विच इज अबाउट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. तो आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनाएंगे, सो बजट के अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए हैं, तो वो सारी बातें इस एडिटोरियल में डाली हैं कि इस बजट के अंदर क्या ऐसा था जिससे हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं. ओके, सो वो कुछ बातें हम लोग देखेंगे. सो हमारा टारगेट है 5 trillion इकोनॉमी का 2024 तक बनने के लिए. ओके, और फिस्कल चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे. यूनियन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, चाइना, कोरोना, इकोनॉमिक स्लोडाउन, हर चीज से जो है हम जूझ रहे हैं. ओके, सो आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. जनधन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जो है गए हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है. इंश्योरेंस कवरेज जो है हेल्थ सेक्टर के जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको इंश्योरेंस कवरेज दी गई. फिर वेज इंक्रीज फॉर एमजी नरेगा वर्कर्स, एमजी नरेगा के अंदर काम करने वाले जो वेज अर्नर्स थे उनको ज्यादा पैसे भी दिए गए, बिकॉज दिस वॉज नीड ऑफ एन आर. ओके, अर्बन एरिया के अंदर सारा काम ठप हो गया था और एमजी नरेगा ने एक तरीके से हेल्प यहाँ पे की है डेफिनेटली. सो कोर वेलफेयर इश्यूज लाइक हेल्थ वेलबींग, इनके ऊपर जो है हमारा फोकस है. सो डायनेमिक रोड मैप अलॉन्ग विद द पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन टू प्रोपेल इकोनॉमी विद डिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन. दो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उनको डिस इन्वेस्ट किया जाएगा. ओके, ये हमारा फोकस है. आपका फोकस है कैपिटल एसेट्स क्रिएट करोगे. कैपिटल एसेट्स जब आप क्रिएट करते हो तो वो इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट देके जाता है, अच्छा बूस्ट देके जाता है. ओके, सो वो बात आपको समझनी है यहां पे. इन्होंने इंट्रोड्यूस इस बजट के थ्रू हमारा फोकस है. सो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज टू ट्रिगर अ वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ की वर्चुअस साइकिल कैसे बनेगी, सो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक बार जो है पैसा डाल रही है यहां पे. ओके, सो
आपको ही पता होगा लोन सस्ते हो गए, क्रेडिट जो है बेसिकली वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर जब मनी जाता है, पैसे जब जाते हैं, ओके, सो इकोनॉमी आपकी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो डिमांड बढ़ा रही है, ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और दिस इज हाउ योर साइकिल विल इंप्रूव, दिस इज व्हाट दे आर यू नो फोकसिंग ऑन। नाउ एसेट मोनेटाइजेशन का भी हमारा फोकस है। अब आप देखो बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीन है जो किसी काम नहीं आ रही है, पड़ी हुई है, ओके, वो उसको मोनेटाइज करना कितना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो लॉस मेकिंग है तो वो किसी काम नहीं आ रही, फिर उनको इनसे भी थोड़ा बहुत तो पैसा रेवेन्यू जहां से आए वहां से आपको अरेंज करना है, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, ओके, वो हम जो है हमारी सरकार करने की कोशिश कर रही है, एंड दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जॉब क्रिएशन में हेल्प होगी, फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी हमारा फोकस है। बहुत से प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ओके, सो बहुत से प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी जो है उसके उसको बेनिफिट होगा, ओके, सो पेपरलेस बजट था ये, ठीक है ना, यहाँ पे रियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शन डाला गया है। अदरवाइज होता क्या था, हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था कि हमारे बजट के अंदर अनरियलिस्टिक रेवेन्यू प्रोजेक्शन होता है, सो हेयर दिस टाइम द रियलिस्टिक रेवेन्यू projection has been introduced, no tax rate tweaking, tax rate को देके ज़्यादा कुछ changes नहीं किए हैं, transparent fiscal accounting system है हमारा, बहुत अच्छा, okay, transparency बढ़ती गई है, fiscal deficit situation acknowledge की गई है, and there is a road map, आपको map पता है कि आप इसको situation को deal कैसे करोगे, so fiscal deficit को limit में रखने के लिए already government जो है काम कर रही है। further FDI को लिबरलाइज किया है, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर FDI आपको चाहिए, इस टाइम पे यू हैव टू वेलकम मनी इन योर इकोनॉमी, सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर फर्दर लिबरलाइजिंग द FDI, ओके, देन रैशनलाइजेस द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन। अब ये आपको समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपको रेगुलेशन भी करना है साथ साथ इनोवेशन के लिए स्पेस भी देना है, ओके, दैट्स व्हाई दिस रैशनलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। आपको आप चाहते हो कि और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स निकले जो कि आपकी जनता को जिसका बेनिफिट हो, ओके, सो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी और थोड़ा सा रेगुलेशन भी रखना है, दैट्स अ रैशनल अप्रोच, ओके, सो प्रोवाइड टैक्स स्टेबिलिटी, टैक्स स्टेबिलिटी जो है वो हमारा फोकस था ताकि आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, दैट्स वाई कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं टैक्स रेट के अंदर, बढ़ाया नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है फिर भी टैक्स रेट नहीं बढ़ाया, वो स्टेबल इन्होंने रखा है, ओके, सो फर्दर सेस इंट्रोड्यूस किया है, सेस एज अ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हम थोड़ा पैसा दें, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ एन आर, ओके, तो ये हमें जरूरत है इस टाइम पे। सो बजट अंडरलाइंस द गवर्नमेंट्स रिजोल्व टू बी एन एनेबलर, फैसिलिटेटर एंड कैटलिस्ट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मर्स। सो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरीके से फैसिलिटेटर का रोल कर रही है, दिस इज इन लाइन विद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो यहाँ पे हमारा ये फोकस हो गया है, ओके, सो दिस दैट्स वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट खुद को पीछे हटा रही है ताकि आप डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए और प्राइवेटाइज कीजिए, ताकि आप प्राइवेट सेक्टर को मौका दो बिजनेस करने का। सो गवर्नमेंट हैज गॉन डिजिटल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ठीक किया है, फेसलेस सिस्टम असेसमेंट के अंदर, ये एक मेजर एक तरीका आप बोल सकते हो कि टैक्स टेररिज्म को हटाएगा इस देश से, अदरवाइज टैक्स टेररिज्म जैसी टर्म यूज होती थी क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सटोर्शन की तरह यूज करते थे इसको, हर सामने जाके किसी को नुकसान पहुंचाते थे, अपनी पावर का मिसयूज करते थे, करप्शन जैसे केसेस को यहां से हटाएगा। सो फर्दर टैक्सेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए फेसलेस असेसमेंट होगा, ठीक है ना, सारे के सारे टैक्स पेयर्स का, और ये इसने काफी अच्छा काम भी किया है यहाँ पे। नॉन इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए जो पुराने हमारे टेरिटोरियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको यहाँ पे बेटर किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स चार्टर, अब ये टैक्स पेयर चार्टर कितना इंपॉर्टेंट है देखो, मींस टैक्स पेयर हैज अ राइट, ओके, सो इसका मतलब ये होता है टैक्स पेयर्स राइट वहां पे मेंशन किए होंगे कि टैक्स पेयर के क्या क्या राइट्स हैं, किन चीजों को वो एंटाइटल्ड है, तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल और अच्छा स्टेप है। सो फर्दर आप इसको देखिए कि ज्यादा एफिशिएंसी इससे सिस्टम में आएगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दिस इज व्हाट दिस प्रेजेंट रिफॉर्म इज गोइंग टू डू। सो जितना भी प्रॉब्लम्स थी आप उनको हटाते जाओगे और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, ओके, ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ अपीलेट सिस्टम विद डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन, अब अपीलेट सिस्टम जो आ गया, आपके कोई अगर आपका कोई ग्रीवेंस है वो जाके आप अपील कर सकते हो, ओके, एंड दैट अपील विल बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपको कहीं जाके धक्के खाने की
जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो है आप अपनी अपील दर्ज करा सकते हो। ये यहां पे एक बेहतरीन इन्होंने काम किया है। फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, जीएसटी, चीजों को रिफॉर्म किया जा रहा है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ओके, सो वो सारी चीजें यहां पे हमारी गवर्नमेंट ने की हैं। डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें बेनिफिट होगा इससे। ओके, सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एनुअल अकाउंट ऑडिटेड एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन रिमूव्ड। अब हर साल आपको अपने अकाउंट को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है और रिकंसिलिएट कराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये इन्होंने डाला है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो भी यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम उसे कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ बिजनेस को जो है डेफिनेटली कमी आएगी और ये बेनिफिट होगा बिजनेसमैन को। फर्दर सर्टेन मेजर हैव बीन टेकन टू इंप्रूव द कंप्लायंस। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली व्हेन डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता था, जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन था। सो वो पैसा जो है एक तरीके से वापिस आ जाएगा जब अपनी इंफॉर्मेशन जो है आप जो है सारी सबमिट कर दोगे। सो ये सारे काम इन्होंने किए हैं। कंप्लायंस को इंप्रूव कराना हमारा मेन फोकस है। ओके, जो अनस्क्रुपुलस ट्रेडर थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है डीप एनालिटिक्स की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, ताकि आप जो लूप होल्स हैं उसको हटा सको और इन अनस्क्रुपुलस ट्रेडर्स जो कि कंप्लायंस नहीं करना चाहते उनको जो है यहां पे आप पकड़ सको। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। फर्दर फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव स्कीम्स दे हैव बीन अनाउंस्ड। ये भी एक तरीके से लाया गया है सो दैट यू कैन एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए इन दो स्कीम्स को लागू किया गया है। ड्यू टू द फोकस्ड एफर्ट ऑफ इन दिस डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हैज टेकन ऑफ। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, दिस इज रियली गुड। सो अंडर द कस्टम एक्ट अब सारी चीजों को और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, कस्टम लॉ को बेहतर किया जाएगा, वहां पर भी प्रोविजन जो है वो स्मूथ किए गए हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन डन एंड डेफिनेटली यहां से हमारे को बेनिफिट होगा, हमको बेनिफिट होगा। सो आपको एक चीज समझनी होगी कि इंपोर्ट्स को भी थोड़ा रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी भी कई चीजों पे बढ़ाई गई है। दिस इज आपको सेल्फ रिलायंट बनना है ना, आत्मनिर्भर बनना है, तो यू हैव टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज और आप चाहोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है आपके यहां पे आपके देश में आके मैन्युफैक्चर हो। सो बजट हैज ऑल्सो प्रपोज्ड एसेस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ओके, ये एक सेस बनेगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये एडिशनल लगाया गया है। सो आपको फार्मर की मदद चाहिए करनी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। सो दीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, और पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये एडिशनली जो है ये लागू होगा, एडिशनल इनकम आएगी और उससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एंड यू वॉन्ट टू कनेक्ट योर मैन्युफैक्चरर एंड लोकल एग्रीकल्चरिस्ट, जो फार्मर है उसको आप ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ यहाँ पे जोड़ सकोगे। दिस इज वॉट वी आर फोकसिंग एंड यू वॉन्ट इंडिया टू बिकम अ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमारा थोड़ा फोकस है ताकि आप सबके साथ जुड़ोगे तो एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पे बेनिफिट होगा एंड दिस इज वॉट गोइंग टू बेनिफिट इंडियन पीपल, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, सो मेटल के ऊपर जो ड्यूटीज हैं उनको रैशनलाइज किया गया है। MSMEs और बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी उनको नुकसान हुआ था, चाइना हमारे यहाँ पे काफी चीजें डंप कर रहा था। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि चीजों को रैशनलाइज किया जाए एंड दिस इज वॉट वी हैव डन। ओके, इसी को लेकर हमने रैशनलाइजेशन की है। इंपोर्ट ड्यूटी इज बींग रेज्ड ऑन रॉ कॉटन, कॉटन वेस्ट, तो ये हमने इंक्रीज की है, ठीक है ना। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के ऊपर जो है हमने कुछ कंसेशन जो है दिए थे वो विड्रॉ कर लिए हैं। सो दीज आर थिंग्स वेयर यू आर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक, जहां पे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। ओके, ताकि आप बाहर से बहुत कम इंपोर्ट करें। सो डायरेक्ट टैक्सेस को लेके भी हमने जो है स्ट्रीमलाइन किए हैं सिचुएशन को। प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन हमारा फोकस है। टाइम लिमिट जो है असेसमेंट का वो रिड्यूस करने का हमारा फोकस है कि 6 ईयर से कम करके हम 3 ईयर्स पर आ गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस को केस में, उससे भी जो है बेनिफिट होता है। नहीं तो अदरवाइज होता क्या कि डिस्प्यूट के अंदर आपका पैसा जो है अड़ा रहता है, वो इकोनॉमी के अंदर नहीं रोटेट होता। ओके, सो ये इससे बेनिफिट होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी, टैक्स पेयर वहां पे अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई उनको डिस्प्यूट लगता है। फर्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज ऑल्सो बीन मेड फेसलेस। अब ये जो अपील्स आप फाइल करते हो ये बिल्कुल फेसलेस तरीके से आप फाइल कर सकते हो, कोई यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम होगा। ओके,
So these are some things. Further, relaxation have also been given to expand the business activities in Gujarat International Finance Tech, okay, Gift City जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी और concession दिए गए हैं ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा business को promote कर सको. Further, loan borrowings और इनके ऊपर restrictions जो हैं, prohibition जो हैं, वो कुछ चीज़ें relax कर दी गई हैं, okay, ताकि आप easily जो है यहाँ से आपको credit मिल सके और business activity को further जो है आगे लेके जाया जा सके. So this is what they have done. Then asset monetization, disinvestment, इससे हमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें बेनिफिट होगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और डिमांड भी क्रिएट करेंगे. सो दिस इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. और ये एडिटोरियल था कि कैसे बजट में क्या क्या प्रोविजन डाले गए हैं इस एडिटोरियल के अंदर. सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.